हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चाउमीन और मंचूरियन, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। तो ये मंचूरियन जो मैं बना रही हूँ, ये किसी वेजिटेबल्स के नहीं है, हम बनाएंगे आलू से मंचूरियन। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली है और उनको मैंने वॉश करके अच्छे से काट लिया है। शिमला मिर्च है, प्याज है, ये हरी वाली प्याज जो होती है, स्प्रिंग अनियंस, साथ में ये पत्ता गोभी है, थोड़ा सा हमने लिया है अदरक और लहसुन, थोड़ी मैंने हरी मिर्ची काट ली है, और ये है गाजर जिसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। ये सब मैंने चाउमीन के लिए रखा है। ये मैंने नूडल्स ले लिए हैं और इसको बॉयल करेंगे, और साथ में मंचूरियन जो है हम बनाएंगे आलू से। तो चलिए सबसे पहले चाउमीन को हम बॉयल कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर एक बर्तन रखकर उसमें पानी डाल दिया था, और ये हमारे पास नूडल्स है तो इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैं इसमें नूडल्स डाल रही हूँ। इसके साथ ही आप क्या करिए कि थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नूडल्स है वो आपस में चिपकेगी नहीं। 5 मिनट कम से कम हमें लगेंगे, और इसको बॉयल करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे और छन्नी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये बॉयल हो गई है। तो इसको मैंने एक छन्नी ली है, उसमें छान लिया है, तो नूडल्स हमारी आपस में चिपके नहीं। इसके लिए आप क्या करिए कि छन्नी में निकालने के बाद 2-3 चम्मच ऑयल डालिए और हाथों से अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। अब ये लिए हैं मैंने आलू, 4 आलूओं को ले लिया है, और इस तरह से मंचूरियन बनाने के लिए मैं इसमें अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो जब हम मंचूरियन खाने का मन होता है तो हमें लगता है कि कौन इतनी सारी सब्जियाँ काटे फिर उसका बनाए, तो आज हम आलू के मंचूरियन बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से जो मोटा ग्रेटर होता है उसमें हमें ग्रेट करना है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था, और इसमें 2 चम्मच डालेंगे मैदा और 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, बिल्कुल ड्राई है हमारे आलू, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मैं 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसमें चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और ये है काली मिर्च का पाउडर। इसे डालने के बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल रहे हैं। हरी मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे भी खाते हैं, तो अगर आप पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों को डाल सकते हैं। पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने एक साइड कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो एक मंचूरियन बनाया है, अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। इसी तरह से अनइक्वल शेप में ही हमें बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी सी इसकी बॉल जैसी बनाएं मंचूरियन की, बस अनइक्वल इस तरह से शेप दें और आप कढ़ाई में डालकर इसको फ्राई करते रहें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें मंचूरियन को फ्राई करना है। चाउमीन को बनाते हैं हम तेज फ्लेम पर, और मंचूरियन को बनाना है हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। अंदर तक जो हमारे मंचूरियन है, आलू के हों या वैसे सारी वेजिटेबल्स के मिक्स हों, तो वो अंदर तक से पक जाने चाहिए, वरना होगा ये कि जब आप मंचूरियन बना लेंगे तो वो अंदर से कच्चे लगेंगे। तो ये देखिए, 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई होने के बाद अलट पलट कर इन्हें हम बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, अगर कभी आपका मंचूरियन खाने का मन हो और घर में वेजिटेबल्स ना हो, या आपका मन भी ना कर रहा हो सारी वेजिटेबल्स काटने का, तो आप क्या करें कि आप आलू से ही मंचूरियन बना लें। बहुत टेस्टी मंचूरियन बनकर रेडी हो जाते हैं। अभी थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ा फ्राई इसको और करेंगे। तो ये देखिए, बस इस तरह से सारे मंचूरियन हमारे फ्राई हो जाएंगे। हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो मेरे पास थोड़े से वेजिटेबल्स हैं तो मैं इसकी ग्रेवी में डाल दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पसंद करते हैं। आपके पास नहीं है, आप मत डालिए। तो एक गैस पर मैंने रख दिया थोड़ा सा ऑयल, साथ में मैंने लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, प्याज को डाल लिया है। थोड़ा सा ये सौते हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं इसको, तो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई थी चाउमीन के लिए मैंने काटी है, तो मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, और थोड़ी सी गाजर है, और थोड़ी सी है हमारे पास पत्ता गोभी। इन तीनों को ही डालकर हम अच्छे से थोड़ा सा क्रंच कर लेंगे। तो सब्जियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ी सी क्रंची ही वेजिटेबल्स इसमें बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से जो भी हमारे पास सोया सॉस है और टमाटो सॉस है। तो सबसे पहले ये टमाटो सॉस है, ये मैं डाल रही हूँ।
इसके बाद हम डाल देंगे सोया सॉस, तो एक चम्मच के करीब मैं सोया सॉस डालूंगी। इसके साथ ही हम डाल देंगे, ये मेरी होममेड रेड चिली सॉस है तो मैंने वो डाल दी है, ये ग्रीन चिली सॉस है तो हम वो डाल देंगे, और ये है वाइट वाला वेनेगर सिरका। तो इस तरह से इन सबको मिक्स करते हुए अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट हो जाएंगे, इसके बाद हम डाल देंगे मंचूरियन की सारी बॉल्स। तो आलू के मंचूरियन बना रहे हैं तो सारी बॉल्स डाल देंगे। मंचूरियन सब अलग अलग तरह से ही पसंद करते हैं, किसी को मिक्स वेजिटेबल्स के पसंद हैं, दाल के मंचूरियन भी किसी को पसंद हैं, और आलू के मंचूरियन भी हैं, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। तो इस तरह से ग्रेवी वाला मेरे यहाँ पसंद करते हैं तो मैं डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक करने के लिए क्या करिए कि जो कॉर्नफ्लोर होता है उसको पानी में थोड़ा सा डालकर आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक थोड़ा हल्का ही रखिए क्योंकि जितने भी सॉस है हमारे उसमें सब में नमक होता है। ये स्प्रिंग अनियंस है, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो मैंने ये डाल दी है। तो इस तरह से ये हमारे जो आलू के मंचूरियन हैं बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए चाउमीन बना लेते हैं। मैंने एक बर्तन में ऑयल डाल दिया था और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज अदरक लहसुन। इस तरह से इसको 2 मिनट ही हमें खाली चलाना है, ज़्यादा हमें फ्राई इसको भी नहीं करना है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये ग्रीन चिली है, हरी मिर्ची अब डाल देंगे, जो मैंने बारीक काटी हुई आपको दिखाई थी वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, आप चाहें तो फ्रेंच बीन्स होती है उसको भी लंबे लंबे काट के आप डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि सारी मौसम में जो है शिमला मिर्च और पत्ता गोभी तो मिल जाती है, लेकिन गाजर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें चाउमीन। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच ऑयल डालने के बाद मैंने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया था, तो हमारी जो चाउमीन है बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, सारी नूडल्स बहुत खिली खिली है। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सॉसेज। तो ये हमारा टमाटो सॉस है, मैं वो डाल रही हूँ। साथ में हम डाल देंगे इसमें ये मेरी होममेड बनी हुई रेड चिली सॉस है, वो डाल देंगे। अब डालेंगे ये सोया सॉस है, चाउमीन थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इनको 2-2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये ग्रीन चिली सॉस है हमारी, ये भी मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालूंगी। अब मैं डालूंगी वाइट वेनेगर जो सिरका होता है, 2 चम्मच के करीब, इसे भी डाल देंगे। अब नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो मैं थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मैं देखिए ये नाइफ है और नाइफ और इस तरह पलटे से इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन आप क्या करिए कि जो फोक होते हैं आप 2 फोक ले लीजिए और उससे अलट पलट कर इन सबको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि नाइफ से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि चाउमीन आपके बीच से कट जाए, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। तो इस तरह से देखिए सबको मिक्स कर लेंगे और सारा ही जो सॉसेस है हमारी चाउमीन में, हमारी नूडल्स में सारी कोट हो गई है। तो स्ट्रीट स्टाइल हमारी चाउमीन और हमारे जो कैबेज जो हमने मंचूरियन बनाए हैं आलू के, वो बनकर रेडी हो गए हैं। ये स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत ही इजी वे में और घर में ही थोड़े से सामान से हमारे बहुत सारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी टेस्टी सी हमारी चाउमीन बन गई है और ये हमारे मंचूरियन बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब अगर आपका कभी मंचूरियन और चाउमीन खाने का मन हो तो आप मार्केट से बिल्कुल ना लाएं, बल्कि बहुत ही सिंपल तरह से घर में बना लें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।